हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन. सो जैसे कि हम जानते हैं कि हम लोग इक्वल एरिया क्राइटेरिया के बारे में स्टडी कर रहे हैं, और प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था व्हेन मैकेनिकल पावर हैज बीन इंक्रीज्ड, तो उस समय हमारा ये ट्रांजिएंट डिस्टरबेंस है, तो उस समय किस तरह से हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेन करेगा, करेगा भी या नहीं करेगा. सो आज मैं दूसरा केस कंसिडर करूंगी, दैट इज व्हेन इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज बीन रिड्यूस्ड. तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन कब कब होता है, या तो शाफ्ट पावर इंक्रीज हो किसी भी वजह से, सडन इंक्रीज. तो ये केस हम स्टडी कर चुके हैं. आज हम केस स्टडी कर रहे हैं दूसरा, एक्सेलरेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रिकल पावर इज बीन रिड्यूस्ड. सो इलेक्ट्रिक पावर जो रिड्यूस होगी, इसे हम एज केस टू ले रहे हैं. और सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल पावर रिड्यूस होते ही क्या होने वाला है, एक्सेलरेशन. सो व्हाट आर द वेरियस रीजन फॉर रिडक्शन इन द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट? तो आपके नेटवर्क में इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट रिड्यूस हो सकती है कई कारणों से, जिसमें से एक कारण है वन ऑफ द सर्किट लाइन इज स्विच्ड ऑफ. तो डबल सर्किट लाइन्स होती हैं, कई बार क्या होता है कि कोई एक लाइन मे बी बिकॉज ऑफ फॉल्ट, मे बी बिकॉज ऑफ एनी मेंटेनेंस वर्क, एनी डिस्टर्बेंस, वन ऑफ द लाइन इज बीन स्विच्ड ऑफ, देन इमीडिएटली योर इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट गेट रिड्यूस्ड. अनदर रीजन, वेन एवर द थ्री फेज फॉल्ट ऑकर्स एट नियर बस, ठीक है. And third reason is when three phase fault occurs at the line of the system. So this is the bus. Suppose this is the generator, mechanical power input is there. Infinite bus as reference. Here I am showing a network. Second point is when three phase fault at the near of the bus. So sometimes a fault may occur at the bus or at the near of the bus. This is your second point. Third point indicating when three phase fault occurs at the line of the system. So this is the generator bus and this is the infinite bus. In between there is a network. So whenever the fault occurs between the line, this comes under the third point. So whatever may be the reason, the electrical power output will definitely get reduced and the generator will undergo acceleration process. Fine. So उससे पहले मैं आपको एक जर्नल एक बार रिकैप बताना चाहूंगी कि ये आपका एरिया A1 होता है, ये हमारा एरिया A2 होता है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द इक्वल एरिया क्राइटेरिया. तो स्टेबिलिटी कंडीशन में मैंने आपको बताया है, जब एरिया A1 एरिया A2 के बराबर होता है, दैट इज नोन एज क्रिटिकली स्टेबल कंडीशन. सो रिमेम्बर, क्योंकि सी वी आई एम कंसिडरिंग अ जनरेटर केस, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरेटर. सो A1 इज योर एक्सलरेटिंग एरिया एंड एरिया A2 इज नाउ योर डी एक्सलरेटिंग एरिया. So acceleration happens why? Whenever the speed of the rotor is increased, there will be an acceleration. There will be an increase of rotor angle. So acceleration is actually instability reason, is unstable reason you can say. If the system keeps on accelerating, yani if the rotor keeps on accelerating, keeps on increasing its speed, then it means the system is going under unstability, under a fear of loss of synchronism. But क्योंकि when the system is accelerating, मैंने आपको बताया था कि जब rotor accelerate करता है तो उसके अंदर there is a gain of kinetic energy, क्योंकि rotor एक rotatory mass है, तो जितना तेजी से वो घूमेगा उतना ज्यादा उसके अंदर kinetic energy stored होती रहेगी, ठीक है. So accelerating area is actually indicating the area of gain of kinetic energy. When we talk about area A2, area A2 is actually decelerating area. What is decelerating area? When the speed is below the synchronous speed, where the speed is, where the rotor is now going slow down. Means जब accelerating area के अंदर rotor जो है अपनी kinetic energy को gain करता है, तो decelerating area के अंदर rotor अपनी kinetic energy को release करता है, release of kinetic energy. So, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेटिंग एरिया एक अनस्टेबल एरिया है, अनस्टेबल रीजन है, बट डी एक्सेलरेटिंग एरिया इंडिकेटिंग कि अब जो रोटर की स्पीड है वो स्लो डाउन हो रही है, रोटर अपनी स्पीड कम कर रहा है. इसका मतलब है कि दिस डी एक्सेलरेटिंग एरिया इंडिकेट्स कि नाउ रोटर इज नॉट इंक्रीजिंग इट्स स्पीड, इट इज डिक्रीजिंग इट्स स्पीड, नाउ इट इज रिलीजिंग इट्स एनर्जी. तो अब यानी जो रोटर एंगल है या जो रोटर की स्पीड है वो रिड्यूस हो रही है. सो यानी अब वो सिस्टम जो है वो स्टेबल, उसके होने के कंडीशंस, उसके होने की जो संभावना है वो बढ़ गई है. तो डी एक्सेलरेटिंग एरिया जो होता है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ रोटर इज नॉट एंटरिंग इन टू अ डी एक्सेलरेशन एरिया,
यानी जितनी भी उसने काइनेटिक एनर्जी गेन की थी, अब वो उतनी काइनेटिक एनर्जी अगर वो रिलीज करना शुरू नहीं करता या लॉस ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट गोइंग ऑन, इट मींस रोटर इज कीप ऑन मूविंग। जो रोटर है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो अगर जो रोटर की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है तो यानी जो रोटर है वो अनस्टेबल रीजन में मूव कर जाएगा, ठीक है ना। और अगर रोटर जो है वो उसकी स्पीड इंक्रीज होके फिर डिक्रीज हो रही है और कंटिन्यूअसली डिक्रीज होके वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में मूव कर जाता है, यानी अब वो एक स्टेबल रीजन में मूव करेगा। दिस हैपन्स अगर वो इंक्रीज होके वो डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स कि नाउ इट इज एंटरिंग इनटू अ डीएक्सेलरेशन एरिया। सो वी सेज दैट इफ एरिया ए वन इज इक्वल टू एरिया ए टू, वी सेज दैट इट इज अ क्रिटिकली स्टेबल कंडीशन। यानी लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एरिया अगर दोनों एक दूसरे के बराबर हैं तो वी सेज इट इज अ क्रिटिकली स्टेबल कंडीशन। एंड एब्सोल्युटली स्टेबल कंडीशन इज व्हाट एरिया, इफ एरिया ए टू इज ग्रेटर देन एरिया ए वन, वी सेज इट इज एन एब्सोल्यूट स्टेबल कंडीशन। Why? Because area A2 is a deacceleration area, indicating that now the rotor has entered into a stable region, has entered into a possibility of stability. So it means when the if the area of A2 is greater, it means the system is definitely going under a stable condition. But if area A1 is greater, that if the acceleration area is greater, yani if the rotor is keep on increasing its speed, that area is larger as compared to the loss of energy, loss of kinetic energy area, it means then the stable then there is an unstable condition. तो अगर एक्सलरेटिंग एरिया गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एरिया ज्यादा हो गया है, रोटर एक्सलरेट ही करता जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती ही जा रही है, वो एरिया अगर ज्यादा है एज कम्पेयर टू दी रिलीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब तक काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होगी रोटर अपनी स्पीड नहीं घटाएगा, रोटर की स्पीड का रिड्यूस होना बहुत जरूरी है सो दैट इट कैन कम नियर टू सिंक्रोनस स्पीड। सो इफ एरिया ए वन इज ग्रेटर देन ए टू, इट मीन्स सिस्टम इज डेफिनेटली गोइंग अंडर अनस्टेबल कंडीशन। So as today we are studying when electrical power output is reduced. So what happens when electrical power output is reduced? So I am considering the first point, that is when the fault has been occurred and one of the circuit line has been switched off. ठीक है, इसके अंदर इस first point के अंदर again we have two points, point A and point B. Are you getting? We have three reasons, first, second and third. In the first reason, we have again two parts, part A and part B. Part A is what? I am saying that fault has been occurred and the fault has not yet been cleared. Fault occur hua hai, but it is not yet cleared. And the second case is, the fault has been cleared after some time. This indicates that the fault has been cleared after some time. Fine. So these are the two cases, case A and case B. So आज मैं आपको first point का case A हम study कर रहे हैं. क्या है, हम क्या कह रहे हैं कि there is a generator, there is a double circuit line, there is an infinite bus, this is the voltage of the generator, let with an angle of delta, xd is the internal reactance of the generator which I have shown outside, XL is the reactance of your this transmission line and this XL is the reactance of another transmission line. Fine. So this is a double circuit line and what case I am considering? That the fault has been occurred in the line or in the middle of the line. So previously you can say the reactance is XC. Suppose when the fault has not been occurred and the system is going with a steady state or stable condition, at that time what is the reactance? XE is what? XD plus parallel combination of these two. So, in dono ka jo bhi parallel combination hai plus XD. Theek hai? Or you can also say XD plus XL upon 2. Isi ko maine is tarah se likh diya hai. To in dono ki ye is samay reactance ho jayegi. First, ye cheez. To ab jab aapke system mein reactance ki value ye hai. So, this is the power equation. So what is the power? EF VT sin delta XC. So this was the power delivered, or you can say, at this point you can say shaft power is equal to your
electrical power, and this is the equation. This is the reactance when the system is under equilibrium condition or system is moving in a steady state conditions. Now, when the fault occurred, then what happens? When the fault occurred, that is, we are considering the first case, that fault has not yet been cleared. So, whatever we are considering or whatever we will study during the fault. Fault is not clear, fault ho chuka hai. So, during the fault, kya system ki condition hai? So, after, so when the fault occurs, what happens when the fault occurred? What will happen to this value? This is a very important value, reactance. What happened to the reactance? Can you tell me? So whenever the fault occurs, ये हमने unit 1 में unit 2 में भी पढ़ा है कि जब आपके system में fault होता है, that time what will be the equivalent reactance of the system? Entire equipments connected with the power system connector start feeding fault current to that point, है ना? तो star delta transformation की help से हम total equivalent reactance निकाल सकते हैं. Fine. So you will find that the total equivalent reactance will be increased. तो हम मैं इसमें वो नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि क्या होगी वो हम नहीं निकाल रहे. लेकिन you should know कि हम equivalent reactance कैसे निकालते हैं. जितने भी elements लगे होंगे, they start feeding current towards the fault point. So whatever the reactance will you will compute, you will find that XC will be greater than the previous XC. The steady state condition. रिएक्टेंस इसको आप कह सकते हो, मान लीजिए प्रीवियस रिएक्टेंस है वो XCS है एंड ड्यूरिंग द फॉल्ट द रिएक्टेंस हैज चेंज, नाउ इट इज बी XC. सो दिस इज द फॉल्ट रिएक्टेंस. फाइन, दिस इज द स्टडी स्टेट रिएक्टेंस. सो फॉल्ट रिएक्टेंस यू विल फाइंड आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी मोर देन द स्टडी स्टेट रिएक्टेंस और इक्विलिब्रियम पॉइंट रिएक्टेंस. सो व्हाट हैपेंस व्हेन द वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस विल गेट इंक्रीज्ड? सो ऑल थिंग वी आर कंसीडरिंग ड्यूरिंग fault. So when fault occurred and has not yet been cleared, so what is the value of reactance? It is greater than the steady state reactance. And what will what happen to this value? Obviously, when this value reactance get increased, the value of electrical power output will definitely get reduced. This is the main point. Everything is entirely सेम. जो हमने इक्वलिटी क्राइटेरिया में जो भी हमने पढ़ा है वो आपने मैकेनिकल पावर इनपुट के समय में जो भी कंडीशंस और रोटर स्विंग पढ़ा है एग्जैक्टली उसी तरह से हमें डिफाइन करना है. लेकिन एक्स्ट्रा पार्ट जो इसमें आपको समझ आना चाहिए वो क्या है, ये वाला कि व्हेन द फॉल्ट हैज बीन ऑकर्ड इन द डबल सर्किट लाइन और एट द मिडल ऑफ द लाइन, वी आर नॉट सेइंग दैट द फॉल्ट हैज बीन ऑकर्ड एट द बस. Not even I am saying that the fault has been occurred near to the bus. I am saying that fault has been occurred at the middle of the line. Middle kahiye ya between any point of the line. So the fault has been occurred in the line. So during that fault, what I have calculated that the equivalent reactance is now been greater than the equilibrium reactance. Or steady state reactance. Because the reactance has been increased, electrical power output will definitely get reduced. Will definitely get reduced क्योंकि reactance बढ़ गया है. अब इसी point को ध्यान में रखते हुए अब हम इसको समझाएंगे अपने curve को. यानी what I am saying, this was the curve. This is the curve first. What is this curve indicates? This curve indicates a position when the system is स्टेबल. जब आपका सिस्टम जो था वो स्टेबल था, यानी लेट दैट एंगल भी डेल्टा नॉट और इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट आपके शाफ्ट पावर के बराबर थी और डेल्टा नॉट पे वो मूव कर रही थी. लेट दिस पॉइंट बी ए. सो दिस एट दिस पॉइंट ए व्हाट आई कैन से, दिस इज द पावर एंगल कर्व. दिस इज द कर्व वन, पावर एंगल कर्व. दिस इज व्हाट कर्व व्हेन योर रोटर angle with respect to time was zero, when your mechanical speed of the rotor is ns, when your system is stable, at that time your rotor angle is delta naught, your electrical power output is equal to your mechanical power input equal to efvt xc sin del. ठीक है. So change in angle with respect to time was zero. Why? Because omega s is your reference speed, which I have already explained in the previous lecture, and omega r is now also ns. So ns minus ns is zero. So this is your delta naught. Fine. So this is the story of your curve one. So system was moving without any disturbance. So curve one is the stable position curve. Now I am showing another curve, curve two. What is this curve two indicates? ठीक है, देखिए.
सो पॉइंट ए, अगर आपको मैंने आपको बताया था कि जब हम इक्वल एरिया क्राइटेरिया का कोई भी केस डिस्क्राइब करते हैं तो हर एक पॉइंट को आपने डिस्क्राइब करना है. व्हेन यू आर शोइंग इक्वल एरिया क्राइटेरिया, यानी यू आर शोइंग एक्सलरेशन पोर्शन, यू आर शोइंग डी एक्सलरेशन पोर्शन, एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग यू हैव टू राइट दिस थ्री इंपॉर्टेंट कंडीशन. That when area A1 will become area A equal to area A2, you will get a critical stable condition. When deacceleration area is greater, you will get a stable condition. When acceleration area is greater, you will get an unstable condition. So let us consider, now I will tell you what exactly the story behind this curve too. See, the maximum power in us before the fault, the maximum power delivered by the system is this. Now the maximum power delivered by the system has been reduced. This is the curve during the fault. Why I have reduced this curve? Initially it was this and now I am showing this curve. Why this is so? Because I have explained here, reactance has been increased. So when the fault has been occurred, the equivalent reactance has been increased. Due to which what happened? The electrical power output has been reduced. This is what actually we are studying. कि electrical power output आपकी reduced हो गई है. क्यों reduced हो गई? Because the fault has been occurred somewhere between in the line. So electrical power output के reduce होते ही electrical power output का जो curve है वो definitely shift हो जाएगा उसका operating point from here to here. The maximum power has been reduced from you can say point D to point D dash. Fine. So this is the curve 2 during fault. ठीक है. सो बाकी जो इसके आगे की स्टोरी है वो एग्जैक्टली वैसी है जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी की है. एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आपने एक्सप्लेन करना है. एवरी पॉइंट यू हैव टू एक्सप्लेन. सो सी, कंसीडर दिस इज द पॉइंट ओ. ठीक है ना, ओ पॉइंट पे आप देख रहे हैं जब ये हमारा हेल्दी कर्व है, है ना. हेल्दी कर्व पे ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है, लेट इट बी ओ, जहां पे आपकी शेफ्ट पावर इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट के बराबर थी. जैसे ही आपके सिस्टम में फॉल्ट हुआ, आपका ऑपरेटिंग पॉइंट शिफ्ट फ्रॉम ओ टू ओ डैश, ओ टू ओ डैश. फाइन, तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो है वो पावर एंगल कर्व, क्योंकि अब उसका ये नहीं रहा, उसका पावर एंगल कर्व अब ये हो गया है. ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट रिड्यूस हो गई, तो अब पावर एंगल कर्व, इस कर्व से हमारा कोई लेना देना नहीं, पावर एंगल कर्व शिफ्ट हो गया है. अब आप जो भी एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन समझाएंगे आपको इसी कर्व के रिस्पेक्ट में समझानी है, ना कि इस कर्व के रिस्पेक्ट में. बस ये माइनर चेंज है जो आपको प्रीवियस लेक्चर से डिफर करेगा. शिफ्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट फ्रॉम ओ टू ओ डैश, रेस्ट स्टोरी इज सेम. यानी पॉइंट ए पे आपको पता है the point, operating point has been shifted from O to O dash. Now what happens from A to B? What happens from point A to B? Remember, A to B is your accelerating area. What happens when the electrical power output has been reduced? तो एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है, एग्जैक्टली वही आपको समझाना है. इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट हैज बीन रिड्यूस, एक्सलरेशन इज अ पॉजिटिव एक्सलरेशन. सो वॉट हैपन्स, पॉजिटिव एक्सलरेशन इज वॉट मीन्स रोटर एंगल इज नाउ इंक्रीजिंग. फाइन, देर विल बी एन एक्सलरेशन, यानी द सिंक्रो द स्पीड ऑफ द रोटर इज नाउ इंक्रीजिंग. एक्सलरेशन मीन्स स्पीड ऑफ द रोटर इज नाउ इंक्रीजिंग. सो वेन द स्पीड इज इंक्रीजिंग, नाउ ओमेगा आर इज नाउ इंक्रीजिंग. सो ओमेगा आर माइनस ओमेगा एस इज ग्रेटर देन जीरो. लेट ओमेगा एस आप फॉर रेफरेंस समझने के लिए 1000 RPM ले लेते हैं हम. ठीक है, तो ओमेगा आर अब बढ़ रहा है, आपका एनएस से बढ़ रहा है, तो इसको ले लेते हैं 1100, लेट इट बी 1200, 1300. तो वट एवर 1400 माइनस 1000 इज ग्रेटर देन जीरो, यानी इट इज पॉजिटिव. देयरफॉर रोटर एंगल इज नाउ इंक्रीजिंग. सो जैसे जैसे रोटर एंगल बढ़ेगा आपका इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट भी बढ़ेगी. अब देखिए ये शाफ्ट पावर है, शाफ्ट पावर में हमने इस समय कोई चेंज नहीं किया है. आपका मैकेनिकल जो इनपुट पावर है वो फिक्स्ड है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि एकदम फॉल्ट हुआ है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया. शाफ्ट पावर वही थी जहां है, तो यहां से आप देख सकते हो एक तो आपको कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट मिलेगा, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट ये मिलेगा इस कर्व पे, जहां पे हमारा शाफ्ट पावर इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर होगा. दूसरा पॉइंट, अगर हम इस शाफ्ट पावर के पॉइंट को कट करते हुए इलेक्ट्रिकल कर्व में जाएं, तो दूसरा पॉइंट आपका ये है, जहां पे अगेन आपकी शाफ्ट पावर इलेक्ट्रिकल पावर के आपको बराबर मिलेगी.
फाइन. तो दीज टू आर योर इक्विलिब्रियम पॉइंट्स. नाउ अब हम इसको मूव करते हैं आगे. तो यहां से यहां तक क्या है, ये शाफ्ट पावर आपकी यहां पे थी, ठीक है. यहां आपका इलेक्ट्रिकल पावर कर्व है, तो आप इलेक्ट्रिकल पावर को इस पॉइंट तक पहुंचना है. तो जैसे ही एक्सलरेशन होगा, रोटर एंगल जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम डेल्टा नॉट टू डेल्टा वन. क्यों? क्योंकि एक्सलरेशन हो रही है, रोटर एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है. जैसे जैसे वो इंक्रीज होगा, रोटर एंगल जैसे जैसे आपका इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट बढ़ती है. एंगल डायरेक्टली आपके इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट को इफेक्ट करता है. तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट भी इंक्रीज हो रही है. तो इंक्रीज होते होते वो कहां पे पहुंचेगी, इस पॉइंट पे. लेट दिस पॉइंट बी बी, जिसको मैं कहती हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंट बी. तो पॉइंट बी क्या पॉइंट है, जहां पे आपकी शाफ्ट पावर इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर है. बट व्हाट हैपन टू द स्पीड, व्हाट हैपन टू द स्पीड, यस द स्पीड इज अबव द सिंक्रोनस स्पीड. जो आपकी स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से ज्यादा है. तो क्या रोटर यहां पे रुकेगा? रोटर के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है, जब आपकी जब हमारा जो शाफ्ट पावर है इलेक्ट्रिकल पावर के बराबर हो, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रोटर की जो स्पीड है वो ns हो. बट हेयर द स्पीड ऑफ द रोटर इज नॉट ns. यहां तो आप बढ़ा रहे हो स्पीड, यानी 1100, 1200, 1300, 1400, लेट इट बी 1500. मान लीजिए यहां पे 1500 तक वो पहुंच गया, तो यानी ओमेगा तो 1000 था, आप कहां पहुंच गए 1500 पे. यानी एट पॉइंट बी द रोटर इज अबव द सिंक्रोनस स्पीड, तो रोटर यहां नहीं रुकेगा. तो यानी रोटर अब क्या ढूंढेगा, अपनी ns स्पीड घूमेगा. तो अब रोटर जो है वो आगे दोबारा इंक्रीज होने लगा, ठीक है. तो मैंने आपको बताया था कि रोटर है इज अ वेरी हैवी मास, रोटर में काफी इनर्शिया होता है. तो रोटर जो है जब एक्सलरेट करता है तो वो एक्सलरेट ही करता रहता है ना. जब कोई भी चीज चल रही है तो वो चलती ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उसमें नहीं आप लागू करोगे, ठीक. उसी तरह से रोटर का जो हैवी मास है, देखिए वो एक्सलरेट कर रहा है तो वो एक्सलरेट ही करता रहता है. नाउ इट हैज एंटर्ड इनटू अ डी एक्सलरेटिंग एरिया, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसने बहुत इसकी मैकेनिकल पावर आउटपुट बहुत ज्यादा थी, और इलेक्ट्रिकल पावर इन सॉरी मैकेनिकल पावर इनपुट बहुत ज्यादा थी, इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट कम थी. यहाँ पे देखिए क्या होगा, जब वो इस एरिया में एंटर करेगा, जब वो इस एरिया में एंटर करेगा तो क्या होगा, दिस इज अ डी एक्सलरेटिंग एरिया. क्यों? क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा है और दिस इज द शाफ्ट पावर, दिस इज द शाफ्ट पावर. शाफ्ट पावर इज लेस देन द इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट. तो जब वो इस एरिया में एंटर करेगा तो वो कौन सी एरिया हो जाएगा, डी एक्सलरेशन एरिया. दिस इज द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एरिया. तो इस एरिया में इसने जितनी भी काइनेटिक एनर्जी गेन की है, एक्सलरेशन एरिया में जितनी भी गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी उसने की है, क्योंकि कनेक्टिंग एनर्जी उसने बहुत सारी स्टोर्ड कर ली है, तो उसकी स्पीड बढ़ चुकी है. स्पीड तो बहुत ज्यादा है 1500, लेकिन अब आपको उसके मैकेनिकल पावर जो इनपुट है उसे खींचना है. अगर आप उसकी मैकेनिकल पावर इनपुट कम होगी और इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट ज्यादा होगी तो वो डी एक्सलरेशन एरिया में एंटर कर जाएगा, ठीक. टू सी वी नो दैट दिस इज योर एक्सलरेशन, है ना. तो अब आपकी इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगी, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी यू विल फाइंड दैट योर इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट इज नाउ बीन इंक्रीजिंग. सो वेन दिस क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग, यू हैव एंटर इन टू अ नेगेटिव एक्सलरेशन एरिया और यू हैव एंटर इन टू अ डी एक्सलरेशन एरिया, दैट इज लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एरिया. जैसे ही वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एरिया में एंटर करेगा, यानी जो रोटर की स्पीड आपने इतनी बढ़ा दी थी, 1000 से आप 1500 पे पहुंच गए थे, वो स्पीड अब धीरे धीरे कम होने लगेगी. और जितनी भी उसकी एनर्जी उसने इतनी सारी गेन कर ली है, अब वो उसको रिलीज करने लगेगा. तो अब देखिए जैसे 1500 है तो अब वो क्या करेगा, इसकी स्पीड कम करते हैं, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000. अब वो इस पॉइंट पे पहुंच गया है 1000 आरपीएम पे, ठीक है. तो उसको अपनी ns स्पीड मिल गई है. नाउ रोटर इज हैप्पी विद इट्स ns स्पीड, यानी अब इसके बाद इसने जो एंगल बनाया है दैट एंगल इज डेल्टा m. दिस इज द एंगल जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था. हेयर नाउ डेविएशन विद रोटर एंगल विल बिकम जीरो. So you should understood this point, from point B to C it is an deacceleration area. Deacceleration area indicating that change in angle with respect to time is greater than zero and angle is increasing. Fine.
from B to C. What is going to be happen from B to C? From B to C, you will find this is 1500, 1400, 1300, 1200, whatever RPM is there, it is greater than 1000. Hai na? Though it is reducing, but it is greater than 1000. Yani 1400 is greater than 1000, 1300 is greater than 1000, 1100 is greater than 1000. So when you are reducing 1100 minus 1000, there will be greater than 0 acceleration or greater than 0 deviation. So there will be a positive deviation. Rotor angle is now increasing. This is the increase in the rotor angle from delta 1 to delta m. So now you have entered into a 1000 RPM speed. So here the deviation from d delta to dt is 0. So B to C ये जो इसकी जर्नी थी वो उसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको पॉइंट C पे अब एक्सप्लेनेशन देनी है. व्हाट इज पॉइंट C? पॉइंट C वो पॉइंट है जहां से आगे अब रोटर एंगल मूव नहीं करेगा. अब रोटर एंगल मूव आगे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहां पे इसकी स्पीड ns हो चुकी है और हम जानते हैं कि जैसे ही रोटर की ओमेगा ns हो जाएगा तो ns माइनस ns इज 0. तो यहां पे जो d डेल्टा बाय dt है वो क्या है? ओमेगा r माइनस ओमेगा s विल बिकम 0 बिकॉज़ ns माइनस ns इज नाउ गोइंग टू बी 0. सो डेविएशन इन एंगल विल बिकम 0. तो अब रोटर जो है दिस इज नोन एज द फर्स्ट स्विंग ऑफ द रोटर. दिस इज द फर्स्ट स्विंग. तो वो डेल्टा m से आगे नहीं जाएगा. तो डेल्टा m इज द मैक्सिमम स्विंग व्हिच रोटर हैज टेकन. ठीक है. तो दिस इज योर फर्स्ट साइकिल. सो सिमिलरली this is the now the thing which you should know always in explaining every case. This is the acceleration area, this is the deacceleration area, this is the gain of kinetic energy area, this is the release of kinetic energy area. जब तक release of kinetic energy नहीं होगी, जब तक जो excess kinetic energy इसने यहाँ पे attain कर लिया है वो जब तक release नहीं होगी तब तक rotor stability condition में नहीं आएगा. So this is your delta m maximum deviation angle. So after this one cycle, after this one swing, rotor will move in a throw condition. So back जो है वो मैं already same ही है आपका जो हमने previous lecture आपको मैंने बताया था. Previous lecture मैंने आपको explain किया था exactly वैसा ही है from A to C और then from C to A. तो आप previous lecture देख सकते हैं कि उसकी C to A की जो journey होगी वो क्या होगी. ठीक है. So in this way you can explain the case when electrical power output has been reduced. So whenever the electrical power output has been reduced, the main point which you should know that we will work on the curve 2. So जो भी आपको explain करना है वो आपको curve 2 में explain करना है. So this is your curve 2. तो जो भी आप अपनी journey समझाओगे, देखिए ये journey exactly वही है lecture 7 की. ठीक है. लेकिन curve हमने जो है वो steady state curve ना लेके हमने curve 2 में explain किया है. Fine. So this is the journey, exactly same journey is this, by only we have used the curve 2. तो ध्यान रखिए curve 2 you have to indicate that during the fault. ठीक है. Now in the next lecture I will tell you what happens in this curve when it's when the fault has been cleared. So when the fault has been cleared, you will find there will be an another curve entered, also known as jo curve hai wo teen curve ho jayenge. First, second, three curves. We will work with three curves. Theek hai. So till now only you just remember there are two curves because we are considering only when the fault has been occurred in the line and the fault has not yet been cleared. In the next lecture, I will explain the point B, that the fault has been occurred in the line, but the fault has been cleared after some time. And we will also talk about the very, very important topic of power system stability, that is your critical clearing angle. Fine. If you have any doubt, you can ask me through your mails. Thank you.